हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए प्रिंस कट में पपलम टॉप की कटिंग की ये मैं एक टॉप बना रही हूँ फ्रेंड्स, जिसको पपलम टॉप भी बोलते हैं, जो जीन्स वगैरह के ऊपर पहना जाता है फ्रेंड्स। आप चाहें तो उसको लेगिंग्स पे भी पहन सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक साड़ी में से बचा हुआ, पहले मैंने इसमें से एक स्कर्ट बनाई हुई है, और ये मैंने इसका नीचे का कंट्रास्ट लिया है जो इसके ऊपर इसको थोड़ा लाइट किया करेगा। तो फोल्ड साइड रहेगा और ये मेरा ओपन साइड रहेगा फ्रेंड्स। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, लेंथ लेनी है चोली की फ्रेंड्स। तो चोली फ्रेंड्स उसमें 14 की है रेडी। तो ये देखिए, मैं 14 में 1 प्लस करूँगी, 15 रखूँगी फ्रेंड्स। ये देखिए 33 है, तो 33 का 8 और क्वार्टर हो गया, हाफ इंची लूजिंग है फ्रेंड्स, और 2 इंची मार्जिन के लिए, कटिंग के लिए। इसको मैं पहले अलग करूँगी। ये मैंने अलग कर लिया है, बाकी मैंने अलग कर लिया है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, ये मेरा पीस आ गया। तो अब मैं लेंथ लूँगी, ये देखिए लेंथ 14 है, 1 प्लस करूँगी, 15 हो गया। ये देखिए, यहाँ से मैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लेंथ प्लस 1 इंची का एक मार्क कर लिया है। अब हम शोल्डर लेंगे फ्रेंड्स। तो इसका मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, शोल्डर नहीं लेना है। नहीं लेना है का मतलब, ये मैं नीचे डिजाइन करने का उस टाइप से बना रही हूँ। तो ये मैं इधर 7 रख रही हूँ, और इधर भी 7 रखूँगी फ्रेंड्स, और इधर से मैं जितना चेस्ट है उसका 4 पार्ट करेंगे। तो 33 है, 33 का 8 एंड क्वार्टर हो गया फ्रेंड्स, और फिर हम हाफ इंची प्लस करेंगे, और 2 इंची का कटिंग का मार्जिन लेंगे फ्रेंड्स। अब हम इसको मिला लेंगे, ये देखिए इस टाइप से। ये मेरे दोनों पीसों की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, ये मुझे प्रिंस कट बनाना है फ्रेंड्स। तो प्रिंस कट के लिए पहले मुझे डॉट लगाना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, डॉट 10 पे आएगा, और इधर से 4 इंची लेंगे, ये देखिए, और फ्रेंड्स एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इधर से इधर तक, ये देखिए। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स, इधर से हम 1.5 इंची लेंगे, और इधर से 2 इंची लेंगे, ये देखिए। फिर दोनों लाइन को मिला लेंगे, ये देखिए इस टाइप से, और फिर हम इसको गोलाई दे देंगे फ्रेंड्स इस टाइप से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस टाइप से गोलाई होगी। और अब हम इधर से 1 इंची का मार्क करते हुए, क्योंकि ये टॉप है फ्रेंड्स, इसलिए हम इस टाइप से गोलाई देंगे, ये देखिए। ये देखिए, ये मेरा कटिंग हो गया है फ्रेंड्स, मतलब ड्राफ्ट लग गया है सॉरी। अब हमें क्या करना है, जितना भी ये है इसका हमें इधर से 3 लेना है फ्रेंड्स, या हाफ ले लेंगे। इधर से मुझे हाफ लेना है, और इधर से जो गले की लेंथ है वो 6 है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो अब हमें इसको गोलाई को धीरे धीरे, ये देखिए, इस टाइप से घुमाना,
चाहिए। फ्रेंड्स ये मेरी फ्रंट की कटिंग है, ये मेरी बैक साइड की है। अब हम कमर का भी लेंगे फ्रेंड्स, तो कमर मेरी 29 है, तो 29 के लिए 7 1/4 हो गया। ये देखिए ये 1.5 इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा यहाँ कटिंग होगा ये इधर हो गया, और 1/2 इंची फ्रेंड्स लूजिंग के लिए लेंगे, और बाकी हमारा कटिंग के लिए रहेगा। तो ये मेरा प्रॉपर फुल कपड़ा आ गया है, ये देखिए सेम ही रखेंगे। ये देखिए इसको और इसको आप मिला लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए अब कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पहले मुझे इसको अलग कर लेना होगा, और फ्रंट और बैक की कटिंग अलग अलग करनी होगी फ्रेंड्स। ये देखिए ये मैंने कटिंग कर लिया है, अब मैं बैक साइड की कटिंग करूँगी। ये देखिए अब ये बैक साइड की भी हो गई है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, मुझे दोनों नेक फ्रेंड्स सेम सेम रखने हैं, और ये मुझे ज़्यादा गोलाई पे नहीं रखने, गोलाई पे मतलब ज़्यादा डीप नहीं करने हैं फ्रेंड्स, मतलब थोड़ा सा गोलाई देनी है। तो ये देखिए ये मैं इस टाइप से दूंगी, थोड़ा सा ऊपर करते हुए। और अब हमें क्या करना है, इस पे निशान लगा लेने हैं इस टाइप से, जिससे कि हमारे 4 पीस पे भी, बैक साइड के पल्ले पे भी निशान आ जाए। ये देखिए इधर से आया है निशान, इसको और इसको मिला लेंगे। ये देखिए इस टाइप से, इधर से कटिंग करेंगे नीचे से। ये देखिए आप चाहें तो इस पे पिन लगा के कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये हो गया है, ये हमारा 1 पीस हो गया है, और ये वाला अब इसका हम निशान अच्छे से करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा डॉट का पॉइंट होता है। अब ये हम रख लेंगे। और बैक फ्रेंड्स ये मैंने बैक साइड का पीस सेट कर लिया है, थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे, जिससे कि हिल हिल वगैरह जाए तो हमारा कपड़ा पूरा। थोड़ा सेटिंग कर करके कटिंग करनी पड़ रही है। आपके पास अगर पीस अच्छे से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इस टाइप से सेट कर लिया है। देखिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे, जिससे कि हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बचे, और अब हम इसको कट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये ज्वाइंट होना चाहिए। तो मेरी 14 टोटल लंबाई 35 है फ्रेंड्स रेडी। तो मुझे 31 का चाहिएगा, 14 लेस किया तो 35 में। तो ये देखिए मुझे 21 से भी 1 इंची एक्स्ट्रा मिल रहा है मार्जिन, जो कि मुझे सिलाई में जाएगा फ्रेंड्स, 1/2 इंची नीचे फोल्ड होने में जाएगा। ये फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा कपड़ा बचा है तो ज़्यादा ले लूँगी, जिससे कि उसमें अच्छे से घेर आ जाए। ये देखिए तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, वो 22 है फ्रेंड्स, ये 20 होने से भी चल जाएगा। एक बार इसकी ये फ्रंट 20 से थोड़ा सा हल्का सा कम है, ये देखिए इतना सा कपड़ा कम है, 1/4 इंची, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसको मैं सीधे सीधे 2 पीस सकता है, हमारा देखो एकदम इक्वल होएगा, इसमें तिरछापन कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है कैसे उसको निकालना है। तो आप मार्क करके ही कटिंग करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं ये मुझे कैसे सिलना है, कटिंग हमारी हो गई है, तो चलिए अब सिल लेते हैं।